हेलो फ्रेंड्स, आप IAS डेली स्टैटिक MCQ डिस्कशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आप हमारे इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। हम आज अपने डिस्कशन में भारतीय राजव्यवस्था यानी कि पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए जानकारियों पर विचार करेंगे। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है। फ्रेंड्स, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी किया जाता है। राष्ट्रपति आदेश तब जारी करेंगे जब किसी एक सत्र में संसद के दोनों सदनों के माध्यम से उस न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाए, वो भी विशेष बहुमत से। तभी राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी किया जाएगा और किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। बिल्कुल इसी पद्धति के माध्यम से राज्य के चुनाव आयुक्त को भी हटाया जाता है, यानी कि पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कहता है, राज्य विधानसभा के भंग होने के बाद भी राज्यों की एक परिषद हमेशा राज्यपाल को सलाह देने के लिए मौजूद रहना चाहिए। इस कथन को आप याद कर लीजिए, भले किसी भी राज्य का विधानसभा भंग हो जाए लेकिन जो मंत्री परिषद विधानसभा के भंग होने से पूर्व थी वो तब तक बनी रहेगी जब तक नई सरकार या फिर नया मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता, क्योंकि राज्यपाल हमेशा मंत्रियों के सलाह पर ही कार्य करते हैं। हालांकि कुछ अधिकार उनको दिया गया है कि वो अपने मन से भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो मंत्रियों के सलाह पर ही कार्य करते हैं। दूसरा कथन बिल्कुल सही है, उसे आप ध्यान रखेंगे। तीसरा कथन क्या कहता है, अनुच्छेद 356 को केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर लागू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, अनुच्छेद 356 को लागू करने के लिए यदि कैबिनेट का लिखित प्रस्ताव न भी मिले तब भी इसे लागू किया जा सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है, सही पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित जो विशेष अधिकारी होता है उसके बारे में दोनों में से कौन सा कथन सही है उसकी पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को संविधान में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं, जब भारत में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था उसकी सिफारिश के आधार पर 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित अधिकारी को के प्रावधान को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि पहला कथन गलत है, क्योंकि यहाँ 42वें संविधान संशोधन बताया गया है, यह 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया था। दूसरा कथन कहता है, संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना विशेष अधिकारी का कर्तव्य है। ये जानकारी बिल्कुल सही है, जब किसी विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है कि वो अल्पसंख्यकों के भाषा से संबंधित कोई भी प्रावधान हो, कोई भी समस्या हो, उसका निपटान करेंगे, तो निश्चित रूप से वो उनके सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना उनका कर्तव्य है। यानी कि दूसरा कथन बिल्कुल सही है, पहला कथन गलत है, सही पूछा गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान रखें। जो संविधान के अंतर्गत प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 350 बी के अंतर्गत है, इसे आप ध्यान रखें। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, एक जानकारी ऐसी है कि कोई भी ऐसी संस्थान है जो संविधान से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कैग हो या फिर कोई भी ऐसे संस्थान हो जो संविधान से जुड़ा हुआ है, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और यदि संविधान से इतर कोई ऐसी कमेटी है जैसे नीति आयोग, उसके बारे में संविधान में प्रावधान नहीं किया गया, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार। तो ये आप ध्यान रखेंगे।
जितने भी संविधान से संबंधित संस्थान होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाएगी। इनको सारे अधिकार दिए गए हैं, जो अधिकारी होते हैं वो जांच करने का, उनसे संबंधित किसी भी मामले पर सुनवाई करने का सारा अधिकार दिया गया है। इनके माध्यम से मतलब जो जांच अधिकारी होते हैं, जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती है उनको ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों और संबंधित राज्य सरकार को भिजवाते हैं। तो ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, संसदीय समिति एक समिति होता है, क्या होता है? यहां पर चार अलग अलग कथन दिए गए हैं, आपको पहचानना है किसके बारे में, संसदीय समिति के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है संसद द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होता है, मतलब संसदीय समिति के जितने भी सदस्य होते हैं उसको या तो संसद के माध्यम से नियुक्ति दी जाती है या तो उनका संसद से ही निर्वाचन होता है। अगला कहता है अध्यक्ष के, पहला तो बिल्कुल सही है, इसे आप याद कर लीजिए। अगला क्या कहता है, संसद के निर्देशन में काम करता है, मतलब अध्यक्ष के निर्देशन में वो कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। जो संसदीय समिति होते हैं वो जो संसद, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या फिर जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही ये कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और इनके जितने सदस्य होते हैं वो संसद से ही होते हैं। तो ये पहला कथन सही, दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन क्या कहता है, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ये गलत है। सोचिए कि अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति की जा रही है और संसद के सदस्यों से ही नियुक्ति की जा रही है, तो जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो अध्यक्ष को ही सौंपी जाएगी, राष्ट्रपति को नहीं सौंपी जाएगी, ठीक? तो इसे आप याद रखें। तो तीसरा कथन गलत है। चौथा क्या कहता है, कैबिनेट सचिव, सचिवालय द्वारा, मतलब कैबिनेट सचिव द्वारा प्रदान किया गया एक सचिवालय है। एक कैबिनेट सचिवालय जो है ना वो इसके मतलब संसदीय समिति के सचिवालय के रूप में कार्य नहीं करता है। लोकसभा और राज्यसभा का जो सचिवालय है वो संसदीय समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है, मतलब वहीं पर लोकसभा और राज्यसभा का जो सचिवालय है वहीं पर बैठ कर ये बात विचार करेंगे, जो भी रिपोर्ट होंगी, जो भी डिस्कशन करना है वो सारा या तो लोकसभा में किया जाएगा या तो राज्यसभा में किया जाएगा, मतलब राज्यसभा या लोकसभा के सचिवालय में किया जाएगा। तो ये आप याद रखें। तो जो कैबिनेट सचिवालय होता है वो अलग होता है, वहां पर नहीं होता है। तो ये तीसरा और चौथा दोनों गलत है। आपको पूछा क्या गया था, संसदीय समिति से संबंधित जानकारी, मैंने तीसरे के बारे में बता दिया, चौथे के बारे में बता दिया, पहला दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान रखें। यहां पर यही बातें लिखी गई हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, जो पीडीएफ हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा उसके माध्यम से आप दो तीन बार इसे रिवाइज कर लें, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान है। देखिए 73वां संविधान संशोधन सबने पढ़ रखा है, अब आपको चयन करना है कि इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उसमें से अनिवार्य प्रावधान कौन सा है। चार प्रावधान दिए गए हैं, अनिवार्य प्रावधान की पहचान करनी है, नीचे चार ऑप्शन है उसमें से किसी एक का चयन करना है। पहला कहता है तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, बिल्कुल ये 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किए गए दो प्रावधान, एक स्वैच्छिक और दूसरा अनिवार्य प्रावधान में से पहला जो है वो अनिवार्य प्रावधान है, तो आप इसे याद रखिए, पहला बिल्कुल सही है, अनिवार्य पूछा गया है, और तीन जो अलग अलग स्तर हैं पंचायत में उन तीनों में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 1/3 आरक्षण करना ही करना है, तो ये पहला जो है वो अनिवार्य प्रावधान है। दूसरा क्या कहता है, पंचायतों को शक्ति और अधिकार देना, उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना, ये गलत है। ये विधान मंडल को अधिकार दिया गया है, मतलब जिस राज्य में पंचायत लागू है वहां के विधानमंडल को अधिकार दिया गया है कि वो पंचायतों को ऐसा शक्ति दे, ऐसा अधिकार दे जिसके माध्यम से पंचायत एक स्वशासन वाली संस्थान के रूप में कार्य कर पाए। ये स्वैच्छिक प्रावधान है, ये अनिवार्य प्रावधान नहीं है। मतलब जिस, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों में 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती व्यवस्था की गई है, अगर उत्तर प्रदेश कहेगा कि मैं पंचायतों को स्वशासन का अधिकार नहीं देना चाहता तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर डिपेंड करता है,
संविधान में यह स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है, तो ये दूसरा जो है वो स्वैच्छिक है, ये अनिवार्य नहीं है, इसे आप याद रखें। अगला कहता है पंचायतों को वित्तीय शक्ति देना और उचित कर शुल्क टोल एकत्र करने की शक्ति देना, ये भी स्वैच्छिक प्रावधान है। जिस राज्य में स्वशासन से संबंधित प्रावधान यानी कि पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया, उस राज्य की विधानमंडल तय करेगी कि उनको वित्तीय शक्तियां दी जाए या फिर न दी जाए, और अगर वित्तीय शक्तियां दी जाए तो किस प्रकार को से उन लोगों को कर लगाने की शक्ति दी जाए जिसके माध्यम से वो कर एकत्र कर सकें और अपने पंचायत का संचालन कर सकें, इस बात का प्रावधान संविधान में लिखा गया है, लेकिन वो स्वैच्छिक प्रावधान के रूप में लिखा गया है, अनिवार्य प्रावधान के रूप में नहीं लिखा गया है, यानी कि तीसरा भी गलत है, अनिवार्य पूछा गया है और ये स्वैच्छिक प्रावधान है, ठीक है। चौथा क्या कहता है, सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 5 साल का कार्यकाल तय करना और किसी भी पंचायत के विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर नए चुनाव करवाना, ये अनिवार्य प्रावधान है। मतलब चाहे कोई भी राज्य हो भारत का, सारे में पंचायती राज व्यवस्था यदि की गई है तो वहां पर पंचायत को 5 साल के बाद इलेक्शन करवाना ही होगा, और अगर कोई एक पंचायत है जिसका विघटन हो जाता है तो उसको आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर फिर से दोबारा चुनाव कराना होगा, ये अनिवार्य प्रावधान है। अब आपको पूछा गया था अनिवार्य, ऑप्शन डी आंसर होगा, क्योंकि पहला और चौथा अनिवार्य है, दूसरा और तीसरा स्वैच्छिक है, तो आप इसे ध्यान रखें। हमारे एक अनाउंसमेंट है आप सबों के लिए कि हमारे टीम ने एक ऑर्गेनाइज किया है कार्यक्रम का, जो सेमिनार है, एक विशेष सेमिनार है, ऑनलाइन है, आप भी इसमें सहभागी हो सकते हैं, जो नीचे नंबर दिए गए हैं आप उसमें फोन करके बात कर लें। कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, अपने आप को उन्होंने साबित किया है, वो आपसे सीधे सीधे जुड़ेंगे, आप उनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी क्वेरीज हैं, लोगों को दिमाग थोड़ा सा भटक सा गया है, तो यदि आप चाहते हैं कि इन लोगों से क्वेश्चन पूछें तो यहाँ पर आप नाम है, बहुत सारे नाम हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो आप से हमारा रिक्वेस्ट है कि ये अभी चल रहा है, आप यहाँ पर ज्वाइन करें और अपनी जितने भी क्वेरीज हैं उनको सीधे सीधे पूछ सकते हैं। हमारे डिस्कशन का पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष अभ्यास से बचाता है। बिल्कुल, B.R. अंबेडकर जी ने जब इसे मौलिक अधिकार का प्रावधान किया था हमारे संविधान में, तो उन्होंने यही कहा था कि राज्य की मनमानी से बचाएगा मौलिक अधिकार, और इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार का हनन होता है, किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, तो वो व्यक्ति सीधे सीधे राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो इसलिए ये मनमानी से बचाता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, सही का ही पूछा गया है, पहला तो होना ही है, यानी कि ऑप्शन बी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा क्या कहता है, संविधान राज्य के खिलाफ व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी देता है, लेकिन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, जो मूल अधिकार हैं उसमें अलग अलग जो अनुच्छेद हैं उसका अलग अलग महत्व है। कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो सिर्फ राज्यों के खिलाफ हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो व्यक्ति के खिलाफ भी हैं, जैसे अनुच्छेद 19 जो है वो राज्यों के खिलाफ है, लेकिन अनुच्छेद 17 जो है वो व्यक्ति और नागरिक, मतलब व्यक्ति और राज्य दोनों के खिलाफ है। मतलब छुआछूत का प्रावधान ना तो राज्य कर सकता है और ना ही कोई व्यक्ति कर सकता है, दोनों करेंगे तो दोनों को सजा भुगतना पड़ेगा, या फिर कोई एक करे तब भी भुगतना पड़ेगा। तो ये जो यहां कहा गया है कि संविधान में जो मौलिक अधिकार है यानी कि मूल अधिकार है वो सिर्फ राज्यों के खिलाफ है, ऐसा नहीं है, व्यक्तियों के खिलाफ भी है, यानी कि व्यक्तियों को भी भेदभाव नहीं करना है, मौलिक अधिकार के हनन का हनन नहीं करना है, यानी कि इस हिसाब से आप देखें तो दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा कथन क्या कहता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना सभी नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार है। फ्रेंड्स, अभी ये तो लिखा हुआ तो नहीं है संविधान में, जो हमारे संविधान में दिए गए हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, उसके अंतर्गत इस बात को लिखा नहीं गया है कि सोशल मीडिया में पोस्ट करना एक मूल अधिकार है, लेकिन त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने अभी एक्सप्लेन करते हुए बोला कि ये बोलने का अधिकार है,
अगर आप सोशल मीडिया में किसी चीज को पोस्ट कर रहे हैं तो वो बोलने का अधिकार है, आप इसे मना नहीं कर सकते। और कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऐसे एक पुलिस, जो त्रिपुरा की पुलिस है, वो एक व्यक्ति ने कुछ पोस्ट किया था, उसके खिलाफ फिर रिपोर्ट दर्ज की गई, उस व्यक्ति को पकड़ा गया और कोर्ट ले जाया गया। तो कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया गया। और उसने डिफाइंड कर दिया कि जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो उस समय से तो आप मान लेंगे कि आप भी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो आप इसे ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था। हम अपने आज के डिस्कशन को यही रोकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, एंजॉय कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।